लॉकडाउन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सख्ती से पालन करने के आदेश सभी प्रदेशों को दिए गए हैं, जबकि उत्तराखंड में भी मुख्य सचिव से लेकर और मुख्यमंत्री सभी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें। अब जब मुख्य सचिव द्वारा यह कह दिया गया है कि यदि लॉकडाउन का पालन सख्ती से नहीं किया गया तो अब उस जिले के जिलाधिकारी एवं SSP को दोषी समझा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आज 31 तारीख के दिन सुबह से ही आवाजाही काफी बड़ी हुई है। जिस तरह से लॉकडाउन पर सख्ती के आदेश दिए गए हैं उसके बावजूद लोग सड़कों पर लगातार भीड़ के रूप में अलग अलग बहाने बनाकर सड़कों पर हैं। पैदल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हर तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। क्या इस प्रकार लॉकडाउन का उल्लंघन करके हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाएंगे, यह एक सोचने का विषय है। देहरादून से शहजाद अली के साथ रामपाल सिंह, BHBC। प्रधानमंत्री के 24 मार्च को पूरे भारत में 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद BHBC न्यूज आपसे अपील करता है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। जिस परिस्थिति से देश इस वक्त गुजर रहा है उसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। अगर आप किसी आपात स्थिति से घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क पहनकर बाहर निकलें और आपस में दूरी बनाए रखें। साथ ही जो सामान ले रहे हैं उसे भी सैनिटाइज करें। पूरे देश को आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। याद रहे, आपसे आपके अपनों को खतरा है। ऐसी विकराल परिस्थिति में आपके अपने देवता स्वरूप डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी, प्रशासन और मीडिया कर्मी अपनों से दूर रहकर भी आप तक हर संभव प्रयास पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में आप सभी लोग अपने धैर्य और संयम का परिचय दें और दुनिया में भारत की एक मिसाल पेश करें।